हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ब्लॉग विद मानसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज है डेट 22 मार्च और डे है ट्यूसडे, और सुबह का टाइम हो रखा है और बन रही है किचन में चाय। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारी एक बढ़िया सी चाय के साथ, और छलनी से ढक दी है मैंने चाय ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इसके बाद हम लोग चल दिए हैं यूवी के स्कूल, हमें लेने जाना है यूवी का रिजल्ट। और यहाँ पे निकलने से पहले हम गेट का लॉक लगा देंगे, और इसके बाद हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और धूप जो है वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है। और अभी करीबन सुबह का ही टाइम है, 9:30 का, और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं यूवी के स्कूल लेने के लिए उसका रिज़ल्ट। वापस आ चुके हैं स्कूल से होकर के, और इसी के साथ यहाँ पर हम गेट का लॉक खोल लेंगे। कहाँ रहना है आपको? अंदर है बाहर? अंदर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी यूवी के स्कूल से, और उसी के साथ मैं यहाँ पर गेट लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं यूवी के स्कूल से उसका रिजल्ट वगैरह लेकर के, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने काम पर, और अभी हमें करना है बहुत सारे काम जो कि अभी तक घर फैला हुआ है। हैंड वॉश कर रहे हो? ठीक है। करोना ने एक चीज़ सिखा दी है कि कभी भी कहीं से आओ हमेशा हैंड वॉश करने हैं। तो यूवी को हमेशा याद रहता है, वो जब भी कहीं बाहर से खेल कर या कहीं बाहर से आता है तो अपने हैंड ज़रूर वॉश करता है वो, और ये बहुत ही एक अच्छी आदत है बच्चों के लिए। काम बचे थे वो करने के बाद यहाँ पर हो चुका है लंच टाइम। तो एक बिल्कुल सिंपल सा खाना है, चटनी है, रोटी मट्ठा और रस्से वाले आलू की सब्ज़ी है। तो हम लोग अभी लंच कर लेंगे दोनों। उसके बाद ये है शाम का टाइम करीबन 4:30 का, और आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत क्या हो रखी है। तो आज किचन साफ़ करने का मन नहीं है, तो मैं मैजिक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा मैजिक, हो गई ना मेरी पूरी किचन साफ़। और इसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, जो भी अपना सामान वगैरह फैला हुआ है उसको मैं सही करूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा बेड, अगर हमारा बेड सही है तो हमें पूरा घर अपना साफ लगता है, और अगर हमारा बेड ही ख़राब हो रखा है और उसके अलावा हम कितनी भी सफाई कर ले रूम में, झाड़ू पोछा डस्टिंग, उसके बाद भी हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा जो रूम है पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी हैं, और जो भी रिमोट वगैरह है वो भी मैं सब सही पर रख दूँगी, सही जगह पर, और जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है उनको उनकी जगह पर रख दूंगी। और शाम को ये ज़्यादातर काम हो ही जाता है क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, तो आप समझ ही सकते हैं। तो शाम को यहाँ पे बेडशीट वगैरह सही करने के बाद अब मैं लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं तो कुछ ना कुछ कूड़ा वगैरह हो ही जाता है।
पोछा करने के बाद यहाँ पर मैं अपने फेस को भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है ऑयली हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी और इसके बाद आ चुकी हूँ अंदर और टॉवल से इसको पोछ लूँगी अच्छे से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक विद मानसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। अभी जो है करीबन हो रखा है शाम का टाइम, 6 बज रहे हैं और इससे पहले मैंने जो है झाड़ू और पोछा कर दिया है, घर पूरा साफ हो चुका है। और इसी के साथ अब मैं जाऊँगी ऊपर, मुझे पौधों में डालना है पानी और उसके बाद नीचे आकर के मुझे बनाना है खाना। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और ऊपर जो है बहुत ही बढ़िया वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है। नीचे थोड़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और ऊपर आके बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, हवा चल रही है बहुत ही बढ़िया वाली। अपने पौधों वगैरह में पानी डाल के अच्छे से, और इसी के साथ अभी यूवी जो है वो बाहर खेल रहा है तो मैं उसको भी देख करके आती हूँ। चलो हैंड वॉश करो फटाफट से। ये आप रख देना बाद में उठा के, ठीक है? मैं टीवी चला रही हूँ, देख लेना आप, रिमोट से ऑन कर दो। तो यहाँ पर यूवी के लिए मैंने टीवी वगैरह ऑन कर दिया है, वो अपना कार्टून दिख रहा है। और उसके साथ मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं घिया के कोफ्ते। तो ये घिया कोफ्ते के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, मतलब ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसको आधा कट करके रख दिया है। इसकी मैं कोई और सब्ज़ी बना लूँगी। और कोफ्ते बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा घिये को कद्दूकस, तो हम जल्दी से इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो घिये को कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर मैं 2 से 3 टमाटर और 2 से 3 ही मीडियम साइज़ की प्याज मोटा मोटा काट के इसमें डाल दूँगी और 2 हरी मिर्च, और इसको बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर कद्दूकस हुए घिये को मैंने एक बाउल में रख लिया है और उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और नमक, और आप चाहें तो धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा इसमें पानी डालकर घोल को तैयार कर लेंगे इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाने के लिए। और इसके बाद छोटी छोटी सी पकौड़ी मैं इस कढ़ाई में छोड़ दूँगी बनने के लिए, और हल्के हल्के से हम उसको पलटते भी रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे घी के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जिस कढ़ाई में इसको फ्राई किया था उसी कढ़ाई में मैंने इसमें तेल, जीरा और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद हल्दी, मिर्च और नमक इसमें ऐड कर दिया था, और इसको मिक्स करके छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। और इधर मैं लगा रही हूँ आटा, तो इतनी ग्रेवी तैयार होगी, तो इतने हम आटा लगा लेते हैं।
इसके बाद हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से खदक चुकी है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। इतने पानी बॉईल होगा तो दूसरी तरफ मैं काट लेती हूँ सलाद। इतने और यहाँ पर सलाद काटने के बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट दूँगी, और उसके बाद जो भी छिलके वगैरह हैं उनको एक पॉलीथीन में डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें किचन किंग ऐड करूँगी जिससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है खाने में। और यहाँ पर बॉईल बहुत अच्छे से हो चुका है पानी, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे घी के जो भी कोफ्ते बनाए हुए हैं, और थोड़ी देर इनको बॉईल होने देंगे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट मंदी आँच पर। और यहाँ पर हमारी यमी सी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार, और इसके ऊपर हमने हल्की सी गार्निशिंग कर दी है हरा धनिया डालकर। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है। घी के कोफ्ते की सब्ज़ी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती हैं रोटियां, और आप चाहें तो इसके साथ पराठे भी बना सकते हैं, दोनों ही चीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। अब ये गलबल कर लिया भाई, ये डैडी ने मुझसे झूठ बोला, मुझे देर लगेगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी अपने काम से आ चुके थे, और यूवी को खाने थे गोलगप्पे तो इसी के लिए वो बोल रहा था। तो यहाँ पर मैं वापस किचन में आ चुकी हूँ अपनी रोटियाँ बनाने के लिए, तो जल्दी से मैं फटाफट अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन और डिनर रूटीन, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी सा खाना बनकर तैयार हो चुका है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।